हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीरज, स्वागत है आपका आईटीआई ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की देखने वाले हैं, जो कि बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, हम आपको शॉर्टकट की याद करने की बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में फंक्शन की के बारे में बताएंगे। तो टोटल आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती हैं, तो आपको यह भी याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिख भी दिया है कि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है उस पर 12 शॉर्टकट की होती हैं और 12 फंक्शन की होती हैं। यह आपको याद रखना है कि कंप्यूटर पर कितनी फंक्शन की होती हैं, तो 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 शॉर्टकट, टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। तो इनका क्या यूज़ होता है, इनका क्या उपयोग है, वही हम आपको बताने वाले हैं। और यही तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको यह कैसे याद करना है, तो याद करने की ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फंक्शन की को याद कर सकते हैं। जैसे F11 से क्या होता है, F6 से क्या होता है, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको यह याद होना चाहिए। और इसके अलावा, अगर आप कोपा टेट से आईटीआई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर डाली है, तो आप जरूर से वो वीडियो देखिएगा। वहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इनका क्या वर्ग होता है। जैसे F1 से लेकर F4 तक हमने लिखा हुआ है, और F5 से F8 तक, और F9 से F12 तक, तो टोटल 12 ये की होती हैं। तो इनका क्या उपयोग है, वह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। यहाँ पर हम आपको लिख देंगे, तो आप इसको नोट भी कर लेना, और इसके बाद हम आपको इसकी बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे याद रहेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले F1, इसका क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर हम आपको लिखते जाते हैं, तो आप भी इसको नोट करते जाइएगा। जैसे F1 अगर शॉर्टकट की है, तो इसका F1 जो फंक्शन की बोला जाता है इनको, तो F1 का जो कार्य होता है उसका होता है हेल्प करने के लिए। अगर हेल्प सही है, तो हम F1 की प्रेस करेंगे, और F2 का मतलब होता है रीनेम करने के लिए, RENAME, रीनेम करने के लिए। और F3 जो फंक्शन की होती है, इसका उपयोग होता है सर्च करने के लिए। तो यह आप नोट करते जाइएगा, और इसके बाद हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो यह आपने लिख लिया होगा, इसके बाद बताते हैं F4 का क्या कार्य होता है। इसका होता है क्लोज प्रोग्राम करने के लिए, क्लोज प्रोग्राम, PROGRAM। तो यह आप देख सकते हैं, ये चार हो गई हमारी। इसके बाद देखते हैं F5 शॉर्टकट की होती है, उसका क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश। और F6 जो शॉर्टकट की होती है, इसका होता है एड्रेस बार के लिए। ये एड्रेस बार लिखा हुआ है। अब F7 जो फंक्शन की है, इसका होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। और F8 की है, इसका होता है रीबूट करने के लिए। जब भी कंप्यूटर को बंद करके चालू करना होता है, उसको रीबूट बोलते हैं, तो उसके लिए अपन F8 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। और F9 का जो है, वो आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस को कम करने के लिए, ब्राइटनेस को कम करने के लिए F9 की का उपयोग होता है। और अगर ब्राइटनेस को बढ़ाना है, ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए F10 की का उपयोग होता है। और फुल स्क्रीन करने के लिए, फुल स्क्रीन के लिए F11 की होती है। और F12 का उपयोग होता है सेव एस करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शायद स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक लगे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा अपने बुक में या कहीं पर भी, क्योंकि हमने बहुत जल्दबाजी में इसको लिख दिया है। तो क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको यह याद कराना कि आपको कैसे याद कर सकते हैं, ये लिखा हुआ तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देते हैं। F1 का होता है हेल्प करने के लिए, F2 का उपयोग होता है रीनेम करने के लिए, F3 का उपयोग होता है सर्च करने के लिए, और F4 का होता है क्लोज प्रोग्राम करने के लिए। और F5 जो शॉर्टकट की है, और जो फंक्शन की है, इसका उपयोग होता है रिफ्रेश करने के लिए। F6 का उपयोग होता है एड्रेस बार के लिए। F7 का होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, और F8 का होता है रिबूट करने के लिए। इसी तरीके से देख सकते हैं, F9 का ब्राइटनेस को कम करने के लिए, और F10 का होता है उपयोग ब्राइटनेस को ज़्यादा करने के लिए, और F11 का होता है फुल स्क्रीन करने के लिए, और F12 का होता है सेव एस करने के लिए। तो दोस्तों, इतनी सारी शॉर्टकट की आपने लिख ली होंगी, अब इसके बाद हम आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हम आपको एक कहानी बताएंगे, वह कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो इस तरीके से आप उस कहानी के माध्यम से सारी शॉर्टकट की बहुत आसान तरीके से याद कर पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे इसको याद करना है। जैसे यहाँ पर हमने इसको 12 शॉर्टकट की होती है, उनको चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। 1 से लेकर 4 तक एक हमने बनाया हुआ है, और 5 से लेकर 8 तक दूसरा है, और ये 9 से लेकर 12 तक का दूसरा पार्ट हमने बनाया हुआ है।
ऐसा हमने इसलिए लिखा था ताकि आपको एक कहानी सुनने में बहुत ही आसान लगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको याद कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला हुआ है, जो इसको हम मानेंगे कि पहला दिन है, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन यहाँ पर आप कर सकते हैं, दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। ये 3 दिन की कहानी हम आपको बताएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से शॉर्टकट की आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए पहले दिन में क्या हुआ, कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति सुबह उठा और उसने उसकी सबसे पहले किसी ने हेल्प कर दी, ठीक है, सुबह उठा कोई भी हेल्प कर दी उसकी, किसी ने भी कुछ भी काम करने के लिए। तो सबसे पहले पहला दिन जब स्टार्ट होता है उसका, तो किसी ने उसकी हेल्प कर दी। अब हेल्प करने के बाद उसने इसका नाम पूछा कि क्या नाम है आपका, आपने क्या हेल्प की, तो उसने इसका नाम तो बता दिया लेकिन बाद में क्या हुआ, वो व्यक्ति चला गया और उसने अपना नाम बदल लिया, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति इसकी हेल्प किया और हेल्प करने के बाद अपना नाम बदल लिया। नाम बदलने के बाद क्या हुआ, अब ये व्यक्ति सर्च करने लगा उसको कि कहाँ गया वो, क्या नाम है उसका, क्योंकि उसका उसने तो अपना नाम बदल लिया था, अगर नाम पता होता तो आसानी इसको ढूंढ लेता, लेकिन उसने अपना नाम ही बदल लिया। तो वो उसको सर्च करने लगा, सर्च करते करते वो थक गया वो, और अपना पूरा दिन शाम हो गई, रात हो गई, तो सर्च करते करते थक गया, तो उसने अपना जो प्रोग्राम है उसको सर्च करने का, ढूंढने का, वो बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले व्यक्ति को मदद मिली, मदद करने के बाद जिसने मदद की थी उसने अपना नाम बदल लिया, रीनेम कर लिया, ठीक है, और रीनेम के बाद तो इसने बहुत कोशिश की इसको सर्च करने की और पूरा दिन ढल गया, तो भाई अपना प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप ये पहला पैरा याद कर लेंगे, F1 से F2, F3 और F4 तक इसका शॉर्टकट ये क्या उपयोग है। अब दूसरा दिन होता है जैसे ही, तो वह व्यक्ति क्या करता है, सुबह सुबह उठता है और फ्रेश होता है, मतलब रिफ्रेश होता है, ठीक है, और नए तरीके से नए दिन में फिर से वो रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश होने के बाद क्या करता है, वो फिर से उसको ढूंढने में लग जाता है। अब वो कैसे ढूंढेगा उसका, तो सबसे पहले उसका एड्रेस लेता है कि क्या उसका एड्रेस होगा, क्योंकि नाम तो उसने बता दिया था, नाम बताने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था, तो उसने क्या किया उसका एड्रेस लिया, उसका क्या एड्रेस है, तो उसने अपना एड्रेस बाहर निकाला उस व्यक्ति का जिसने उसकी मदद की थी। और एड्रेस निकालने के बाद उसने क्या देखा कि यहाँ एड्रेस में स्पेलिंग जो है, एड्रेस में स्पेलिंग चेक की उसने, स्पेलिंग की मिस्टेक थी एड्रेस में, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी तो वो उसको मिल ही नहीं रहा था व्यक्ति। तो उसने क्या किया, स्पेलिंग चेक की सबसे पहले उसकी, उसके नाम की स्पेलिंग चेक की कि उसमें नाम में क्या स्पेलिंग में उसने मिस्टेक कर ली है, क्या चेक कर लिया है। तो इस तरीके से उन्हें सबसे पहले रिफ्रेश हुआ वो, फिर उसका एड्रेस निकाला, फिर उसमें उसने एड्रेस में देखा कि स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक थी, तो उसने स्पेलिंग को चेक कर लिया कि उसके नाम की क्या स्पेलिंग थी, ठीक है, इतना आपको याद समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्या हुआ, इतना करते करते वो थक गया और ये दिन भी पूरा खत्म हो गया। तो उसने क्या किया, अपना पूरा कार्यक्रम फिर से रिबूट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। अब वो सोचा कि हम दोबारा से चालू करेंगे इसको, तो रिबूट कर दिया, मतलब कि अपना पूरा प्रोग्राम उसने रिबूट कर लिया, ठीक है ना। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, जब तीसरा दिन हुआ जैसे ही, तो तीसरे दिन में क्या होता है, F9 की है, इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति बहुत थक गया, पहले दिन किसी ने उसकी मदद कर दी, मिल ही नहीं रहा है वो, तो व्यक्ति थक गया, तो उसका जो चेहरा है बहुत ही ऐसे मुरझा गया, जैसे होता है ना अपन थक जाते हैं कुछ हो जाते हैं, तो बहुत ही अपन थक जाते हैं तो अपना चेहरा नीचे डाउन हो जाता है। तो उसका क्या हुआ, उसका जो ब्राइटनेस थी उसकी डाउन हो गई, चेहरा बहुत ही ऐसा एकदम क्या कह सकते हैं उसके लिए कि मुरझाया हुआ है ना, तो उसका चेहरा एकदम कम ब्राइटनेस में हो गया, वो मुरझाया हुआ लगने लगा। फिर क्या हुआ, अचानक से जैसे वो जा रहा था अपने घर के लिए, तो वो व्यक्ति जिसने उसकी मदद की थी वो एकदम से उसको दिख गया, ठीक है, तो जैसे ही वो उसको दिखा तो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे अपन को कोई खोया हुआ इंसान मिल जाता है जिसने अपन की मदद की थी, तो अपन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब जैसे वो व्यक्ति उसको मिला, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, तो क्या हुआ, अब वो एकदम फुल मूड में आ गया, फुल स्क्रीन में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि वो एकदम फुल मूड में आ गया, ठीक, फुल स्क्रीन में। जैसे अपन को भी कोई व्यक्ति मिल जाता है, अपन खुश होते हैं, तो अपन का तो चेहरा एकदम खिल जाता है, फुल हो जाता है, अभी तो थोड़ा सकरा लग रहा होगा, लेकिन जब अपन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम फुल स्क्रीन में आ जाता है, एकदम फूल जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये अपन का जो F11 में है फुल स्क्रीन होता है। और इतनी पूरी कहानी होने के बाद, ये पूरी कहानी जो हुई इसको क्या किया उसने, सेव अस कर लिया, अपनी स्टोरी में याद करके रख लिया, सेव कर लिया, तो F12 का क्या हो जाएगा, सेव अस। तो उसने इतनी पूरी कहानी थी उसको सेव कर लिया, ठीक है ना। तो हम आपको एक बार फिर से कहानी शुरू से बता देते हैं, तो आपको यह याद करने में बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। क्या हुआ, कोई व्यक्ति सबसे पहले हेल्प मांगता है, हेल्प की उसकी किसी ने, तो हेल्प करने के बाद रीनेम हो गया, जो व्यक्ति हेल्प की थी उसने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम बदल लिया, और इसके बाद वो उसको बहुत सर्च करता है, ढूंढता है, ठीक है, सर्च करने के बाद अपना पहले दिन का प्रोग्राम बंद कर देता है। जैसे दूसरा दिन होता है तो वो रिफ्रेश होकर फिर उसका एड्रेस निकालता है, और एड्रेस निकालने के बाद उसकी स्पेलिंग चेक करता है, स्पेलिंग चेक करने के बाद
ये दिन भी पूरा खत्म हो जाता है, उसको रीबूट कर देता है अपने कार्यक्रम को। फिर क्या होता है, तीसरा दिन होता है और उसकी जो चेहरे की ग्लो है वो कम हो जाती है, एकदम ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है तीसरे दिन में, और अचानक से वो व्यक्ति उसको मिल जाता है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। इस तरीके से क्या होता है, वो फुल मून में आ जाता है, एकदम पूरी स्क्रीन में आ जाता है। इतनी पूरी कहानी वो सबसे लास्ट में सेव एस कर लेता है, मतलब संभाल के रख लेता है, याद में बना लेता है। तो आशा करते हैं ये जो फंक्शन की हमने आपको बताई है, इसकी जो हमने आपको ट्रिक बताई है, आपको समझ में आ चुकी होगी। और इसी तरीके की बहुत ही शानदार ट्रिक आपको अगर देखनी है कोपा ट्रिक से संबंधित, तो भाई भी आपको वीडियो पर लाते रहेंगे। और कंप्यूटर की बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं, जैसे आल्ट होती हैं और कंट्रोल वाली शॉर्टकट की होती हैं, भाई भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। तो आप वीडियो को जरूर से देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपको ITI से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है, कोपा ट्रिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये शॉर्टकट की वाली है। इसके अलावा हम आपको एक और फुल फॉर्म वाली वीडियो बताने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, वो आपको एक ही वीडियो सॉल्व करा देंगे। और आशा करते हैं सारी वीडियो आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।